जैसे उसने पूरी लंका का नक्शा वहां रेत पे बना दिया और बोला, ये आप सब देख रहे हैं, ये पूरी लंका सोने की बनी हुई है। राजा रघु बोला, अच्छा। राजा रघु ने वहीं से एक कोना हाथ से मिटा दिया उस लंका का, एक कोना पास का। बोले, एक बार लंका घूम के आओ, मैं यहीं खड़ा हूं। रावण गया तो जितने नक्शे पर रघु ने हाथ फेरा था उतनी लंका सुपड़ा साफ हो गई थी, उतनी लंका वहां खत्म हो गई थी। वो आके रघु के पैरों में गिर गया, बोले, बस काफी है, अब मैं नहीं आऊंगा। वो संत बोला कि जिसको जीतने में आपको 14 साल लगे, वो तो रघु के पैरों में लौटता था। तो ऐसे पूर्वजों की धाती, राम यदि उस कुल में आए थे तो ये राम की अपनी मर्जी नहीं थी, उसके पूर्वजों का तप था, वहां देवकी और वासुदेव का तप था। कृष्ण अपनी मर्जी से नहीं आए, उनका तप संत के पास पहुंचा था, सिर खुजाने लगा। बोला, एक लकड़ी की है, राम की है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेकार। और एक रावण की है, 1 किलो सोने की है, बेशकीमती है। उसने कहा, चलो ऐसा करो कि राम की आप साधना कर लेना, ये रावण वाली मुझे दे दो। संत बोले, जैसी आपकी इच्छा है, आप ले जाओ। पर उसने कहा, ध्यान रखना, नित्य तुम्हें इसकी साधना करनी है, मैं तुम्हें दे रहा हूं बड़े भरोसे से, नित्य साधना करनी है, नित्य इसको स्नान कराना है, नित्य इसको माला पहनानी है, नित्य इसका श्रृंगार करना है, नित्य इसको तिलक लगाना है, नित्य इसके चरण वंदन करने हैं। ये सोने की मूर्ति है, ध्यान रखना, इसके साथ ये नियम है। वो साधक सोने की मूर्ति लेके चला गया। अब वो जब मार्ग में जा रहा है तो वो चिंतन कर रहा है कि संत ने मुझे 1 किलो सोने की मूर्ति तो दे दी है, पर ये रावण की है, जिसने मेरी मां सीता को छुआ था, जो बड़ा क्रूर था, बड़ा अत्याचारी था, जिसने संतों पे अत्याचार किया था, जो बड़ा अहंकारी था, एक अज्ञानी अहंकारी हो तो ठीक है, लेकिन ये तो ज्ञानी था, बड़ा महाज्ञानी पंडित था, ये बड़ा अहंकारी था। मैं कैसे रोज इसके चरण वंदन करूंगा, मैं कैसे इस पे माला चढ़ाऊंगा, मैं कैसे तो इसको प्रणाम करूंगा, ये मेरी मां को ले गया था, इसने तो कितना राम को त्रास दिया था, इसने तो हनुमान की पूंछ में आग लगा दी थी, अरे तो कैसे, तो इसने माता सीता के हाथ अपने हाथों से मां को छुआ होगा, कितना तो कष्ट हुआ होगा मां को, इसको मैं कैसे नमन बंदन करूंगा, कैसे मैं इसका नित्य श्रृंगार करूंगा। जब मैं ये सोचूंगा कि ये प्रभु राम की सीता को अशोक वाटिका में रखकर उसे तरह तरह के त्रास देता था, कैसे तो मैं इसका नमन बंदन करूंगा, जब मैं देखूंगा कि इस सृष्टि को कल्याण भरी दृष्टि से नहीं देखता था, ये छल पूर्वक अपने से छोटों को दबा देता था, ये असत्यभाषी भी था, मैं कैसे इसका नमन बंदन प्रणाम कर पाऊंगा। वो साधक वापस हुआ और उस संत के पास गया, बोले, प्रभु क्षमा करिए, रावण को आप रखिए, मुझे मेरा राम दे दीजिए। और राम की मूर्ति वहां से ले आया कि ये जर्जर है, ये पुरानी मूर्ति है, इनमें सुंदरता नहीं है, चाहे ये तंबू में बैठे हैं, पर ये मेरे राम है, मेरे प्राण धन है, मैं दिन रात इनका स्मरण करता हूं, और जिस दिन इस धरती से जाऊंगा उस दिन भी स्मरण करता हुआ जाऊंगा, मेरे राम को मुझे दे दो। उसने रावण की मूर्ति वहां छोड़ दी और राम को उठा लिया। कोई भी साधक रावण को प्रणाम नहीं कर सकता,
जो धर्म मार्ग का पथिक है वो राम के लिए अपने प्राण दे सकता है, और क्यों ना दे। इस देश में राम के अलावा है क्या? आप यदि ये जाने कि आपका आपके छोटे भाई से क्या रिश्ता है, कैसे आपको रिश्ता निभाना है, तो रामायण के अलावा कौन सा ग्रंथ है जो ये संबंध आपको बता दे। पत्नी से आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, राम और सीता के अलावा कौन सा ऐसा कथा है जो आपको संबंध को पूरी पूरी बता दे। गुरु का जीवन में क्या स्थान है, ये राम के अलावा कौन बता सकता है। कि जिस दिन वशिष्ठ ने राज तिलक का मुहूर्त निकाला उसी दिन तो उसे वनवास हो गया था। यदि गुरु भक्त ना होता तो वो कह देता कि गुरुदेव क्या किया, मुहूर्त तो राज तिलक का था, जाना जंगल पड़ रहा है। लेकिन ये गुरु भक्ति थी, और 14 साल के बाद भी आया तो गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं हुई। राम आए तो अपने केश धोने के लिए भी उन्होंने वशिष्ठ से आज्ञा ली कि गुरुदेव मैं अपने केश धो लूं क्या। एक क्षण के लिए भी तो उन्होंने अपने गुरु को विसारा नहीं था। कभी आपको कोई संबंध ज्ञान करना हो, कभी आपको उच्चता प्राप्त करनी हो, तो भैया एक ही संबंध है, श्री राम। आज दशरथ ने गुरुदेव की आज्ञा से यज्ञ किया, चरु आया, माता ने प्रसाद लिया, भगवान राम प्रकट हुए। और भगवान के स्वरूप को देख के मां कह उठी कि छोटे बालक बन जाओ। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, चारी भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु धरारी। जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता जे जे राम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री कंता।